हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केबी नर्सिंग क्लासेस ऑनलाइन। ओके, सो आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा टोटली बेस्ड ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारे मेडिकल फील्ड में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी एक सिस्टम है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। और उसी के डिसऑर्डर और एबनॉर्मेलिटीज जो है, वी कैन सी दैट, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो डिजीजेज हैं, वो हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कई बार इस एंडोक्राइन सिस्टम से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं। तो हम पार्ट्स वाइज जो है मैं क्लासेस अपलोड करूंगी, और आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़िए रहिएगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, चलिए, जो भी स्टूडेंट्स न्यूली चैनल से जुड़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी क्लासेस रहेंगी जो अपलोड होने वाली हैं वो आपको समय पर मिल जाएं और आप उससे बेनिफिट उठा सकें। ठीक, चलिए अब अपन अपने बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। ओके, एंडोक्राइन की स्टडी करना है ना, यस, एंडोक्राइन की स्टडी करना है ना, क्या कहलाती है, दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाएगी, एंडोक्राइन की स्टडी करना, दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी। मतलब जो जो डॉक्टर्स एंडोक्राइन सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं, हम उसको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं, और जब वो उनकी स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसको एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो कहते हैं। ठीक है, एक बार सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूँ, एक बार की बात है, दैट इज RRB में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए एंडोक्राइन सिस्टम अपना काम पहले करता है या फिर नर्वस सिस्टम जो है वो अपना कार्य जो है वो सब पहले करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही है कि जो नर्वस सिस्टम है वो पहले काम करेगा और बाद में जो एंडोक्राइन है वो अपना काम करेगा। ठीक है ना, यस, तो ये सिंपल सा हमारा आंसर हो गया। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यस, कई बार स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको अभी अभी जो है क्लियर कर दिया। ठीक, अब देखिए, जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम के जो फंक्शंस होंगे वो दो और मेजर सिस्टम ही अपना मेंटेन करेंगे। एक एंडोक्राइन सिस्टम है और एक नर्वस सिस्टम है, तभी अपना जो ये काम है वो पूरा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझेगा, एंडो का मतलब होता है इनसाइट। ठीक है, और क्राइन का मतलब होता है, दैट इज जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने हैं। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर क्या किया जाता है, जिक्र किया जाता है। क्लियर है, अब सिंपल सी बात है कि मैम कैसे एंडोक्राइन सिस्टम काम करेंगे। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो, आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, यस, हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं वो दो प्रकार के बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलते हैं, डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एंडोक्राइन। ठीक है ना, यस, एक देखने को मिलते हैं, दैट इज एंडोक्राइन, और एक देखने को मिलते हैं, दैट इज एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडो का मतलब जो ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर है, जो डक्टलेस है। ठीक है, अब जो शरीर के अंदर है, ये शरीर के कहाँ है, अंदर है, तो इनके द्वारा निकाले गए जो हॉर्मोन्स हैं, इनके द्वारा निकाले गए जो हॉर्मोन्स है डियर स्टूडेंट, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आते हैं, ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे शरीर में ग्लैंड्स हैं जिसको हम एक्सोक्राइन बोल रहे हैं, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और आउटसाइड इनका हॉर्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो फिलहाल जब तक उसकी जरूरत नहीं होती तब तक वो कहाँ रहता है, डक्ट के अंदर रहता है। ठीक है, है ना, तो डक्ट से वो बाहर निकलता है अपने, हम बोल सकते हैं दैट इज अपने पर्टिकुलर एरिया में, और ये अपने टारगेट एरिया में जाता है वाया द ब्लड। क्लियर हो गई, चलो, तो हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके सभी के बारे में। क्लियर है, चलिए, सो अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिएगा, सिंपल सी बात है, बेसिक चीज यहाँ पर ले रही हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट मैं ये ले रही हूँ कि मैम एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड है। सिंपल बेसिक अभी भी अपन ने बात करी है, तो आपका आंसर होगा कि मैम एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है ना वो हमारे डक्टलेस हैं। ठीक है, उनके पास कोई डक्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो अपने हॉर्मोन्स को क्या करते हैं, यस, दे सिक्रीट देयर हॉर्मोन। ठीक है, ये अपने हॉर्मोन्स को क्या करेंगे, दे सिक्रीट देयर हॉर्मोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड में डायरेक्टली ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, and we can say that and via blood or blood ke through and via blood they kya karenge they travel to their target organ। theek, aur apne target organ ke paas mein jaake kya karenge, kaam karenge। so ye hamare kya hote hain, endocrine glands hote hain। ab hum baat karenge ek ek gland ke bare mein। sabse pehla jo main gland le rahi hu, theek hai, endocrine gland, wo main le rahi hu number 1, that is pituitary gland। theek hai, यस, पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो तीसरा भाग है इसका है ना, मिडिल मोस्ट वाला जो भाग है वो हमारे ह्यूमंस में नॉन फंक्शनल रहता है, ठीक। लेकिन हमारे बॉडी में जो फंक्शनल है पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स, वो है दैट इज जो शरीर के आगे की तरफ देखता हुआ पार्ट, मतलब हम बोल सकते हैं जो पार्ट है या फिर जो भाग है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और जो पिछले की पीछे तरफ देखने वाला भाग है वो हमारा है दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा निकलते हैं ये छह प्रकार के हॉर्मोन, जिनको जो जो टोटली एंटीरियर पिट्यूटरी, या वी कैन से दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज टोटली कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपना काम डायरेक्ट नहीं करेगा विदाउट नर्वस सिस्टम, ठीक। चलिए, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से ग्लैंड हो जाते हैं मैम? तो अपना आंसर होगा कि एक तो होता है दैट इज ग्रोथ हॉर्मोन, जिसको हम शॉर्ट में जीएच बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरा हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का डियर स्टूडेंट, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक तो कौन सा हो गया, ग्रोथ हार्मोन, दूसरा कौन सा हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। चौथा है दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिफ्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड सिक्स है दैट इज प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन। ओके, सो ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में हमारे शरीर की ग्रोथ मेंटेन करेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे शरीर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन हमारे शरीर के एड्रिनल, यस एड्रिनल जो ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर बोल सकते हैं अपन मौजूद रहता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, वो उसको स्टिमुलेट कराएगा। और नेक्स्ट नंबर फोर्थ जो है वो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फीमेल्स में ओवरी को क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है। और पांचवा जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और छठा जो है वो है प्रोलैक्टिन, जो प्रेग्नेंट वीमेन्स में डिलीवरी के बाद में मिल्क के बनाने में, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये हमारे जो छह हार्मोन है ये तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो इसका दूसरा भाग है दैट इज वी कैन से दैट पॉइंट नंबर बी, ठीक है ना, पॉइंट नंबर बी। जो दूसरा भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो है हमारा डियर स्टूडेंट दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है, ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ इसी के इसके हमें सिंपल से दो हार्मोन्स जो हैं वो याद करने होते हैं। एक तो होता है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एक हमारा होता है ऑक्सीटॉक्सिन। अब ये जो दोनों हार्मोन है ये बनते तो हैं वाया दी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा ही बनेंगे, लेकिन ये शरीर से बाहर निकलते हैं बाय दी हेल्प ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। यस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एक ग्लैंड हो गया दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा एंडोक्राइन का भाग है। दूसरा जो भाग है हमारा एंडोक्राइन का, जो दूसरा ग्लैंड आता है दैट इज मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं जिसको, वो है हमारा थायरॉयड ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारा नेक में मौजूद रहता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेक में, ठीक है ना, यस नेक में प्रेजेंट होता है। और ये ग्लैंड हमारा बटरफ्लाई शेप का होता है, दैट इज बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। इसका जो वजन है वो 25 ग्राम के लगभग देखने को मिलता है, ठीक। इसके अंदर दो प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज एक सेल होता है फॉलिकुलर सेल, और जो दूसरे सेल हैं वो हैं दैट इज पैरा फॉलिक्यूलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं डियर स्टूडेंट, वो T3 और T4 का निर्माण करते हैं, और पैरा फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली निर्माण करते हैं कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, जो कैल्शियम है उसके लेवल को कम करता है, कैल्शियम लेवल को कैल्सिटोनिन कम करता है। कैसे कम करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा के ये क्या करता है, उसके लेवल को कम कर देता है, जिससे बोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्लास्ट का मतलब फॉर्मेशन। और फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, T3 और T4 का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब इनको बढ़ाते हैं। मतलब अब ये शरीर में हमारे बढ़ेंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म की कंडीशन जो है वो मेंटेन रहेगी। तो थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड इस प्रकार के तीन हार्मोन निकालता है, कौन कौन से, T3 जिसको हम ट्राई आइडो थायरोनोन बोलते हैं, और हम T4 को हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं। T3 ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू T4, और एक है हमारा कैल्सिटोनिन जो सीरम कैल्शियम लेवल को कम करता है। अब बढ़ाने के लिए भी तो कोई हार्मोन चाहिए ना, तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पास में एक और ग्लैंड होता है जो है पैरा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो कौन सा ग्लैंड है, दैट इज पैरा थायराइड ग्लैंड है, ये 4 in number होते हैं, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई शेप का था, इस बटरफ्लाई शेप के चारों ओर पैरा थायराइड ग्लैंड इस प्रकार से क्या रहता है, मौजूद रहता है, ये बीच में इस्थमस होता है,
क्लियर? तो इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं दैट इज पैराथ्रोम। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैराथ्रोम। इसका काम क्या होता है? ये करता है इंक्रीज कैल्शियम लेवल। ये शरीर में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और हमारा कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा ये कहाँ से लेके आएगा? मतलब जीआईटी में भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, जीआईटी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, क्लियर है? दूसरी चीज, ये शरीर में जो हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम भरा हुआ रहता है हाइड्रोक्सीपिटेट की फॉर्म में, वहां पे ये डीमिनरलाइजेशन कराता है। तो जाहिर सी बात है कि मैम ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, किसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो हमने अभी तक चार तरीके के ग्लैंड्स पढ़ लिए, किसके अंदर? एंडोक्राइन में। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा, सॉरी तीन तरीके के पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा हमने पढ़ा है थायरॉइड ग्लैंड, तीसरा हमने पढ़ा है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब जो हम चौथा पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो हम पढ़ेंगे दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है, रिमेम्बर दैट ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, लेकिन जब इसकी बात आती है एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन की बात आते ही आपको ध्यान में रखना है दैट इज आइसलेट्स। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लेंगरेंस सेल्स, कि जो लेंगरेंस सेल्स है पेनक्रियास के, मैम वह काम करते हैं हमारे एंडोक्राइन की तरह। ठीक है, और उनके द्वारा निकलने वाले जो हॉर्मोन्स है ना मैम, वो हमारे शरीर के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जैसे कि एग्जाम्पल एक है मैम इंसुलिन, ठीक है, दूसरा है जैसे कि ग्लूकागॉन, ठीक, और तीसरा है दैट इज डियर स्टूडेंट सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो चौथा है वो है हमारा दैट इज पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना, तो ये हमारे चार तरीके के पेनक्रियाज के द्वारा क्या निकलते हैं? हॉर्मोन्स निकलते हैं। सो एक्सोक्राइन हम बोल सकते हैं कि पेनक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, बट हमने एंडोक्राइन में सिर्फ और सिर्फ आइसलेट्स ऑफ लेंगरेंस की बात करी है। यहाँ से आपके आरआरबी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पांचवा एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपको पता ही होगा कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो हमारे बॉडी में किडनी के ऊपर इस प्रकार से मौजूद है कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारी बीन शेप की किडनी है, और इस किडनी के ऊपर इस तरीके से सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है, उसी को हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो टू इन नंबर है, मतलब हमारे शरीर में दो किडनी है तो दोनों के ऊपर जो ग्लैंड है वो दो दो नंबर में ही होगा। ठीक, अब एड्रीनल ग्लैंड के भी दो भाग है, जो आउटर वाला भाग है उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट दैट इज कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला भाग है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक, चलिए अब देखिए क्या फर्क है मैम दोनों में, क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, इसका जो पहला भाग है दैट इज बाहर वाला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स इस प्रकार से क्या करेगा? हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है। किस प्रकार से? एक बनाता है दैट इज ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, एक ये बनाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में ये दो बनाता है दैट इज एल्डोस्टिरोन। ठीक है, एल्डोस्टिरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और जो दूसरा ये बनाता है वो बनाता है ये 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टिरोन, 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टिरोन। ठीक है ना, जैसे मुझे ये कंसेप्ट वाइज पूरा याद है कि हाँ इसके अंदर ये आता है, वैसे आपने भी याद रखना है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड के साथ में ही एक और बनते हैं दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, यस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट वो होता है दैट इज कॉर्टिसोल, और हम बोल सकते हैं कॉर्टिकोस्टीरोन। ठीक है, कॉर्टिकोस्टिरोन ये बहुत ही मेजर हॉर्मोन है हमारे शरीर के। ठीक है, जो तीसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है वो हमारे बनाता है दैट इज सेक्स हॉर्मोन, और इसमें हमारे आ जाएंगे तीन। एक आएगा जो मेल में प्रेजेंट है दैट इज एंड्रोजन, ठीक है, जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन वगैरह होता है जो हम पढ़ते हैं वो, और जो फीमेल के हॉर्मोन्स है दैट इज एस्ट्रोजन, और जो तीसरा है वो आएगा हमारा जैसे कि प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि जो एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा, वो हम बोल सकते हैं वो हाइपर हाइपरप्लेशिया करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है
वो किसका काम करता है, हाइपरट्रॉफी का भी काम करता है, और साथ ही साथ में एस्ट्रोजन के तो दुनिया भर के रोल है। तो 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास तो हम इसके ऊपर सिंपल एक एस्ट्रोजन के ऊपर ही हम ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से कितने हॉर्मोन निकलते हैं। 3 तरीके के निकलते हैं, यही रट लीजिए, यही याद रख लीजिए। एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड हमारे शरीर का एंडोक्राइन ग्लैंड है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये मैम, इसी को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं, क्लियर है मैम, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड के मैम 2 भाग होते हैं, जो बाहर से दिख रहा है उसको हम एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जब इसका ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसके अंदर वाला जो भाग है उसको हम एड्रेनल मेडुला बोलते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स का मेजर पार्ट 3 तरीके के हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, और ये प्रोडक्शन अपना करेगा, ठीक है, और डायरेक्टली उसके जो जिसका उसका जो हॉर्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड में आएगा। इसीलिए हम इसको एंडोक्राइन का नाम देते हैं, ठीक है। इसके द्वारा निकलने वाले हॉर्मोन्स का नाम है मैम, सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में ये 2 चीजों का प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्रोड्यूस कर रहा है ये एल्डोस्टेरोन, ठीक है, दूसरा ये प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, और दूसरा ये प्रोड्यूस कर रहा है जैसे नंबर सेकंड वाला मैं बात करूं दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसमें भी ए और बी 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन। नेक्स्ट, इसके बाद में सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें हमने 3 पढ़े। जो मेल का हार्मोन है दैट इज सेक्स हार्मोन, उसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। और बी जो है वो एस्ट्रोजन है, और सी जो है वो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही फीमेल के सेक्स हार्मोन है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और जो रिप्रोडक्शन है वो पूरी के पूरा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। साथ ही साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स भी मेंटेन रहते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम एड्रेनल मेड्यूला भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है क्या? बिल्कुल प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं कि एड्रेनल कॉर्टेक्स ने इतने सारे हार्मोन प्रोड्यूस करे तो एड्रेनल मेड्यूला कुछ नहीं करेगा, नहीं। एड्रेनल मेड्यूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हमारे शरीर का सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि कुत्ते के पीछे लगने की वजह से हमारे शरीर में जो एक ऊर्जा डेवलप होती है, ठीक है, एक हायर एक्टिविटीज डेवलप होती है, वह एक्टिविटीज डेवलप कराने के लिए सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, ठीक है, और उनको काम डाउन करने का काम हमारा पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो हमारा जो एड्रेनल मेड्यूला है ना, वो सिंपथेटिक सिस्टम को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैम जो इसके द्वारा हॉर्मोन्स निकलेंगे वो है एक तो कैटेकोलामाइंस, ठीक है ना, एक तो कौन है, कैटेकोलामाइंस है, और जो दूसरे हॉर्मोन्स है मैम वो है हमारे एड्रिनलिन, ठीक है, एड्रिनलिन प्रोड्यूस करता है ये, नॉर एड्रिनलिन प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ में डोपामाइन भी प्रोड्यूस करता है ये। और आपको पता ही होगा कि इन तीनों का जिक्र तो हम न्यूरोट्रांसमीटर में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। यस, एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, क्लियर है डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि और कौन कौन से आखिर मैम ऐसे हम बोल सकते हैं ऐसे हॉर्मोन्स जो हमारे एंडोक्राइन के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल, और भी होते हैं, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि टेस्टिस जो है वो अपने आप में हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है और वो एंडोक्राइनली करती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन हो गया या डाई हाइड्रोक्सो टेस्टोस्टेरॉन हो गया, एंडोस्टेनिडियॉन हो गया, ठीक है, ओवरीज हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कर रही है। और कौन कौन से ऐसे हॉर्गन्स है जो मैम एंडोक्राइन प्रोड्यूस करते हैं, जो जैसे कि पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या करेगा, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करेगा। और जैसे कि थाइमस है, थाइमस क्या करेगा, थाइमोसिन का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना, यस, थाइमोसिन का प्रोडक्शन करेगा, थाइमिन का प्रोडक्शन करता है। किडनी भी एंडोक्राइन रोल प्ले करती है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन है, थ्रोम्बोपोइटिन है, रेनिन है, या फिर हम बोल सकते हैं कैल्सिट्रॉल है, दैट इज 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल का प्रोडक्शन करती है किडनी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिंस का प्रोडक्शन करती है किडनी, तो वो भी हमारा एंडोक्राइन के अंदर आएगा। और जो हमारा हर्ट है, हर्ट के द्वारा भी 3 तरीके के एंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड और सी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। प्लेसेंटा भी हमारा एंडोक्राइन रोल प्ले करता है, जैसे कि उसके द्वारा निकलने वाले हार्मोन होते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, है ना, और ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मैम दैट इज मैमोट्रोपिन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये भी हमारे एंडोक्राइन के पार्ट्स हैं। अब कुछ लोकल हॉर्मोन्स है जो हमारे एंडोक्राइन के अंदर ही आते हैं, जैसे कि मैं नाम बोलूंगी सिर्फ, लिखूंगी नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन,
प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन्स, लैप्टोक्सिन, एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामिन, सब्सटेंस पी, हिपेरिन, ब्रेडिकाइनिन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कुछ हॉर्मोन्स। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि मैम इतने हॉर्मोन जो आपने अभी फिलहाल नाम लिए, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, लेकिन ये भी हमारे एंडोक्राइन का ही भाग है। अब आती है असली कहानी, अब आती है यहाँ से असली कहानी। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है इस बार आरआरबी 2024 के एग्जाम के अंदर, ठीक है, वैसे तो इस एग्जाम को होने में अभी 3-4 महीने लगेंगे, ठीक है, मे बी इस साल हो जाए या नेक्स्ट ईयर हो जाए, अगले साल जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाए 2025 में, हम पूरी तैयारी रखेंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक। अब देखिए, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, अभी तक तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही क्लासिफिकेशन पढ़ा है और उससे उत्पन्न होने वाले हॉर्मोन्स को हमने समझा है। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दैट इज नेचर ऑफ हॉर्मोन, ठीक है, नेचर ऑफ हॉर्मोन, कि हॉर्मोन का आखिर बेसिक नेचर क्या होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा समय लगा के समझाऊंगी क्योंकि कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है और यहाँ से 200% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ हॉर्मोन जो है वो 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपने ध्यान देना है। इसको मैं कैपिटल अल्फाबेट्स में डिस्क्राइब कर रही हूँ, दैट इज ए बी सी। एक हॉर्मोन होते हैं जो होते हैं स्टीरॉइड नेचर के, ठीक है, स्टेरॉइड नेचर के। एक हॉर्मोन होते हैं जो होते हैं डियर स्टूडेंट प्रोटीन नेचर के, और एक होते हैं जो प्रोटीन ही है अपने आप में लेकिन वो डेरिवेटिव्स में आते हैं अपने आप में। डेरिवेटिव्स में आएंगे किसके डेरिवेटिव्स में, कि प्रोटीन का भी सिंपलेस्ट रूप दैट इज अमाइनो एसिड्स के रूप में, है ना, अमाइनो एसिड्स के रूप में। और वो बेसिकली वह अमाइनो एसिड्स का रूप है जिनको हम थाइरोक्सिन, ठीक है, थाइरोक्सिन के नाम से जो है जानते हैं, ठीक। तो ये नेचर होता है, किसका नेचर है ये, दिस इज द नेचर ऑफ हॉर्मोन, दिस इज द नेचर ऑफ हॉर्मोन, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने एक टेबल बनाने वाली हूँ, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं जो स्टीरॉइड नेचर के हैं, ठीक है, कौन से नेचर के, स्टीरॉइड। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, डेफिनेटली जब आप इन नोट्स को मेरे साथ साथ में उतार रहे होंगे और एट द एंड ऑफ द क्लास जब आप उन नोट्स को देखोगे तो आपको लिटरली पता चल जाएगा कि यस हमने बहुत कुछ गेन किया इस क्लास से, ठीक है ना, यस बहुत कुछ गेन किया इस क्लास से। एक बार ये बिलीव करिएगा, एक बार लिख जरूर लीजिएगा इन चीजों को, तो अब आपको पता चलेगा, आप एनालाइज कर पाएंगे कि दिस क्लास इज वैल्यूएबल और नॉट, ठीक। तो हम नेचर ऑफ हॉर्मोन्स में सबसे पहला पढ़ रहे हैं दैट इज स्टीरॉइड। अब देखिए समझते हैं, जो एल्डोस्टिरोन है वो अपने आप में एक स्टीरॉइड है, ठीक है, जो 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टीरोन है वो भी अपने आप में एक स्टीरॉइड है। पूछ सकता है आपसे, मतलब 3 प्रोटीन हॉर्मोन्स डाल दिए, एक स्टीरॉइड डाल दिया और पूछ रहा है बताओ कौन सा स्टीरॉइड हॉर्मोन है, ठीक है, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे मैम। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल स्टीरॉइड है, ठीक है, यस। कॉर्टिकोस्टीरोन भी स्टीरॉइड है, ठीक है, यस। टेस्टोस्टीरोन, देखिए जहां पे स्टीरोन स्टीरोन आ रहा है, ओन ओन आ रहा है, ये सब स्टीरोइड है, ठीक है, जैसे कि एल्डोस्टीरोन, ठीक है, 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टीरोन, कॉर्टिसोल, है ना, यस, कॉर्टिकोस्टीरोन, टेस्टोस्टीरोन, ये सब क्या है, स्टीरोइड है। नेक्स्ट 6th पढ़ रहे हैं हम, दैट इज डाई डाईहाइड्रोक्सी या हाइड्रो टेस्टोस्टीरोन, ये भी स्टीरोइड है। 7th हम पढ़ेंगे दैट इज डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन, स्टीरोन, एपी एंडोस्टीरोन, ये भी अपने आप में स्टीरोइड है। 8वां जैसे कि एंड्रो स्टेनिडियोन, ये भी अपने आप में ओन आ गया ना, स्टीरोइड है, जैसे कि एस्ट्रोजन और जैसे कि प्रोजेस्टिरोन, ये भी अपने आप में क्या है, स्टीरोइड है। ये स्टीरोइड का क्लासिफिकेशन है, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, किस नेचर के, प्रोटीन नेचर के, जैसे कि मैम कौन कौन से, जैसे कि ग्रोथ हॉर्मोन,
प्रोटीन नेचर का है, ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन नेचर का है, ठीक है ना, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, क्लियर। दूसरा जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन नेचर का है, जैसे कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये भी अपने आप में प्रोटीन नेचर का है, जैसे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी प्रोटीन नेचर का है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोटीन नेचर का है, जैसे कि प्रोलैक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीटॉक्सिन प्रोटीन है, जैसे कि पैरा थॉर्मोन ये प्रोटीन है, ये स्टीरॉयड नहीं है, पैराथॉर्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जैसे कि कैल्सिटोनिन प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन प्रोटीन है, जैसे कि ग्लूकागॉन प्रोटीन नेचर का है ना, समझ रहे होंगे आप, जैसे कि सोमेटोस्टेटिन प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन प्रोटीन है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो 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 मेमोट्रोपिन ये भी प्रोटीन है, ये इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था आपको याद हो, दैट इज तीसरा लिखा भी है ना, तीसरा डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं जो थायरोसिन नेचर के हैं, थायरोसिन, ठीक है, जिनको हम थायरोसिन बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्पेलिंग मैं करेक्ट कर दूं, बाय मिस्टेक आई वाज रॉट रॉन्गली, दैट इज थायरोसिन, 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 ठीक है। ये इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे कि हमारा थायराइड का T4, दैट इज थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन अलग है, थायरोसिन अलग है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि T3, T3 बोले तो ट्राई आयडो थायरोक्सिन, जैसे कि एड्रिनलिन, एड्रिनलिन अमाइनो एसिड डिराइव्ड है, ध्यान रखना प्रोटीन नहीं है पूरा, बेसिकली प्रोटीन नहीं बोल सकते, मिक्स्ड करेक्टर है ये, मिक्स्ड भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब हाँ ठीक है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। और जैसे कि डोपामीन, बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी बेहतर रहेगा चीजों को लिख लें, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आई होप यू ऑल गेट दिस अप टू हेयर, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस करे, ये हमने नेचर डिस्कस करे हैं, किसके नेचर डिस्कस करे हैं हमने, हमने ये नेचर डिस्कस करे हैं दैट इज हॉर्मोन के। अब हम सबसे पहला ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, सबसे पहला नंबर 1। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पिट्यूटरी ग्लैंड। मान के चलिएगा इस RRB में एक सिंपल क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, आपको कहता है बताइए विच ग्लैंड इज नोन एज हाइपोफाइसिस, आपका आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिएगा, समझिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑल्सो नोन एज हाइपो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। आपसे पूछे या फिर ऐसे कि बताओ विच ग्लैंड ऑफ आर बॉडी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है, कौन सा ग्लैंड, मास्टर, सबका सबका फादर मदर, आपका आंसर होगा दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड भी किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड्स, नॉट ग्लैंड्स, इट्स ग्लैंड, ठीक है, ओके, मास्टर ग्लैंड, ठीक, ओके। अब कितना वेट है इसका, कितने कितना डायामीटर है इसका, कैसी शेप है इसकी, कहाँ लोकेट होता है ये, कितने भाग हैं इसके, क्लियर, कितने भागों के भी और कितने सब भाग है ना, कौन सा क्या कहलाता है, कितने हार्मोन देता है, यहाँ से सबसे क्वेश्चन उठेगा, 100% उठेगा, ठीक। तो आपने देखा होगा, अगर समझा होगा अपने आप, अगर आप अपने अपना डिग्री ले चुके हैं या आप डिप्लोमा धारी हैं, आपने समझ लिया होगा कि भाई
पिट्यूटरी ग्लैंड ना एक मटर के समान का ग्लैंड होता है, जस्ट लाइक पी मटर, एक दाने की जैसे, ठीक है। लेकिन जब उसको ब्रीफली देखा जाता है तो कुछ उसके इस तरीके से पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे तीन तीन पार्ट्स देखने को उसके मिलते हैं। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, इस तरीके से है ना, तीन तरीके के भाग देखने को मिलते हैं। अब मान के चलिए कि डियर स्टूडेंट ये कोई व्यक्ति है और इसका इस तरफ मुंह है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, अब ऐसा नहीं कि जीभ बना दी मैंने उसकी, जस्ट इमेजिन कि ये वाला जो व्यू है ना, ये जो व्यू है ये अपना जा रहा है इंटीरियरली और ये पीछे का पोस्टीरियर, जाहिर सी बात है ऐसे ही होगा, ये पोस्टीरियर व्यू होगा और आगे वाला हमारा एंटीरियर होगा, एंटीरियर व्यू, क्लियर। चलो तो जो एंटीरियर व्यू है, जब व्यक्ति सामने की तरफ देख रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी उसका सामने की तरफ जो मुंह करता हुआ है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस, क्योंकि हाइपोफाइसिस तो कह ही रहे थे और एडिनो का मतलब एंटीरियर, ठीक है। एंड ऑल्सो नोन एज, और क्या कहेंगे मैम? दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्या कह देंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पीछा देखने वाला है मैम, उसको क्या क्या उसको पोस्टीरियो हाइपोफाइसिस बोलेंगे क्या? नो, उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहेंगे उसको? न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिर उसको क्या कहेंगे? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। क्लास को आप प्लीज शेयर कीजिएगा, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, है ना, जिससे मैं जल्दी से जल्दी, यस जल्दी से जल्दी और बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस डालूं, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि हाँ व्यूज बढ़ रही है क्लासेस में, ठीक है, तो मैं और मोटिवेट होंगी एंड आई विल पुट मोर क्लासेस, ओके यस। और जो बीच वाला भाग है दैट इज, उसको बोलते हैं इंटर इंटरमीडिएट। ये हमारे शरीर में फिलहाल वी कैन से दैट नॉन फंक्शनल है, ह्यूमंस में, ठीक है, बाकी एनिमल्स में फंक्शनल है, ठीक है। चलो ओके ठीक है। सो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। बेसिकली याद क्या करना है मैम हमें इसमें, आपने इतना बोल तो दिया, तो हमें याद करना है कि एडिनो हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं। अब मैम हम हमारे वापस से बात करते हैं इसमें। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि बताओ सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन, तो आपका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन, तो आपका आंसर होगा दैट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन है? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसका जो डायामीटर है, जैसे कि मैंने बोला कि मटर के आकार का ही होता है, तो इसका डायामीटर सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये इसका डायामीटर है, इसकी हम बोल सकते हैं इसकी विड्थ है ना, और जो इसका विड्थ और लेंथ बराबर ही मान के चलिए, और इसका जो वेट है वो 0.5 ग्राम से 1 ग्राम का है, 0.5 से 0.5 से 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम, और काम इसके इतने, मतलब इतने बेनिफिशियल, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है। शेप कौन सी शेप की? अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूँ, शेप कैसा है इसका? टी, पी के प्रकार, पी शेप्ड, मटर के समान, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है। यस, सिचुएशन, सिचुएशन इसकी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा दैट इज इट इज सिचुएटेड एट, इट इज सिचुएटेड एट डिप्रेशन ऑफ सीला टर्सिका, ये ध्यान रखना है। इट इज सिचुएटेड एट द डिप्रेशन ऑफ सीला टर्सिका, है ना, एक सीला टर्सिका एक एरिया है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? स्पिनोइड बोन में, स्पिनोइड बोन में, कहाँ पर? स्पिनोइड बोन जो हमारी बेस ऑफ स्कल के वहां मौजूद होती है, बेस ऑफ स्कल वहां पे मौजूद होती है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा।
यस, आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो अब क्या समझे हम इससे, ये तो देख लें एक बार। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? इट इज सिचुएटेड एट द डिप्रेशन ऑफ सीलाट्रेसिका प्रेजेंट इन स्पिनोइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल, कि जो स्कल का बेस है, जो निचला वाला भाग है, वहां पे सीलाट्रेसिका का एक डिप्रेशन बना हुआ है, एक इस तरीके से एक डिप्रेशन है वहां पर, इस तरीके से ये मौजूद है। ठीक है ना? यस। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कनेक्टेड रहता है, इट इज कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहां मैं लिख रही हूं, दैट इज, इट इज कनेक्टेड विद दी, इट इज कनेक्टेड विद दी हाइपोथैलेमस बाय दी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी स्टाक और हाइपोफाइसल स्टाल्क। ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस बाय द पिट्यूटरी स्टाल्क और हाइपोफाइसल स्टाल्क। ठीक है, चलो। सो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, कौन, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में। सबसे पहला जो पार्ट है वो है पार्स डिस्टेलिस, जो दूसरा पार्ट्स है उसको बोलते हैं पार्ट्स ट्यूबरेलिस, और जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं पार्ट्स इंटर इंटरमीडिया। ये पोस्टर पिट्यू सॉरी इंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो गई, अब बात करेंगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, फिर पोस्टर पिट्यूटरी की। तो पोस्टर पिट्यूटरी के भी तीन पार्ट होते हैं, एक है दैट इज पार्स पोस्टीरियर, जो दूसरा भाग है वो है दैट इज इनफंडिबुलम, और जो तीसरा पार्ट है वो है दैट इज मीडियल एमिनेंस, मीडियल एमिनेंस इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जितना भी हमने डिस्कस करा आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी आपको दिक्कत लगती है, काइंडली एक एक कमेंट आप शेयर कर दीजिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, बाकी मैं विद इन मिनट्स जो है रिप्लाई कर ही देती हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में हम बात करेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस की डिटेल में। एडिनो हाइपोफाइसिस समझ ही गए होंगे, बोले तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। हाँ, बोले तो मुन्ना भाई को याद नहीं करना है, बोले तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब यहां से आरआरबी से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, आरआरबी को मैं इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि ये आरआरबी के लिए वंडरफुल क्वेश्चन है कि इसका ओरिजिन कौन सी जर्म लेयर करती है। तो ध्यान रखना, दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एक्टोडर्म बनाती है एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस को। ठीक है, ये जो लोब है कि लार्जेस्ट लोब है अपने आप में पिट्यूटरी ग्लैंड का, एज कंपेयर टू पोस्टीरियर वन, लार्जेस्ट लोब ऑफ पिट्यूटरी पिट्यूटरी। ठीक है, या ठीक समझ गए होंगे है ना। ठीक है, अब इसके जो टोटल हार्मोन है वो सात होते हैं, लेकिन पांच ही जो है वो मेन है, लेकिन लेकिन बिल्कुल हम उन दोनों के भी नाम पढ़ेंगे जो किसमें काउंट होते हैं, जो इन सातों में। तो एड्रीनल सॉरी दैट इज एड्रीनो हाइपोफाइसिस के पांच प्रमुख या मेन हार्मोन है, पांच मेन हार्मोन है, मगर टोटल कितने हैं, मगर टोटल सात हैं, ऐसे ही याद कर लीजिए। पांच कौन से मेन है मैम? नंबर वन ग्रोथ हार्मोन, नंबर टू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर थ्री एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, नंबर चौथा गोनेडोट्रॉपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग, ठीक है ना, ये स्टिमुलेटिंग आएगा इसका ध्यान रखना,
और नंबर पांचवा दैट इज प्रोलैक्टिन, ठीक है, यस प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटॉक्सिन कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये हो गए अपने 1 2 3 4 5। अब छठा ई और एफ, और ए बी सी डी ई एफ जी। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज जो नेक्स्ट है हमारे मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ठीक है। और एक और है हमारा मिलेनोसाइट्स को जो स्टिमुलेट करता है वो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। एक है हमारा दैट इज सोमेटो, सोमेटोट्रॉपिक, सोमेटोस्ट्रॉपिक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, जो सोमेटोट्रॉपिक ग्रोथ को क्या करते हो, ग्रोथ हॉर्मोन्स जो बढ़ाने का काम करते हो। क्लियर, चलो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में क्लास को। जो जो भी न्यूली चैनल से जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लियर है। चलो अब हम सबसे पहला बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, एक एक के बारे में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। चलो तो सबसे पहला मैं ले रही हूँ ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर ए, नंबर ए सुंदर सुंदर लिख लेते हैं इसको, आपने भी अपने नोट्स ऐसे लिखने हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लेट मी डिस्कस अबाउट इट विद इन अ मिनट, क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन में हमने देख लिया ऐसे हार्मोन जो डायरेक्टली बॉडी में बनते हो, जो डक्टलेस हो, उनका उन सिक्रीशन का जो रास्ता है वो डायरेक्टली ब्लड से टारगेट ऑर्गन पे जाता है, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब डक्टलेस ग्लैंड है, जो मैम हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है मैम एक, थायराइड ग्लैंड है एक, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, और आपने जिक्र किया था जैसे कि पीनियल और अदर वगैरह का भी सबका, ठीक है। फिर हमने नेचर ऑफ हार्मोन पढ़े कि या जो इसके द्वारा जो जिसके द्वारा हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, एक स्टीरॉयड नेचर के, एक प्रोटीन नेचर के, और एक थायरोक्सिन के, थायरोक्सिन नेचर के हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस कर लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस वो अपने आप में इतने भागों में डिवाइडेड है, और कितना ग्राम का है, कितने वेट का है, उसके बाद में हमने अभी फिलहाल रिसेंटली डिस्कस करा है दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, जो एक्टोडर्मल एंड ओरिजिनल ओरिजिन में है, लार्जेस्ट लोब है पिट्यूटरी का, जिसके द्वारा पांच मेन है प्रमुख हार्मोन बनते हैं, ठीक है, लेकिन दो और हैं, लेकिन उनका रोल कम है हमारे शरीर में, लेकिन हमें पता होने चाहिए कि वो टोटल के सात हैं, इतना आप लिख ले अपने नोट्स में, क्लियर। अब जो हम मैम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ग्रोथ हार्मोन के बारे में, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में ग्रोथ को क्या करता है, मेंटेन करता है, इसलिए हम इसको सोमेटो, ठीक है, इसलिए हम इसको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, क्लियर। चलो दैट इज सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी इसको कहते हैं, है ना। अब ये जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक सेल है दैट इज एसिडोफिलिक सेल, उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डीएसएसबी और आरबी एग्जाम के लिए। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ठीक है, यस ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड कहाँ से हो रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और कौन सा पिट्यूटरी में भी कौन सा ग्लैंड, एंटीरियर वन, ठीक है ना, ये डिस्कस करा। अब उस एंटीरियर में भी अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सेल हैं, तो उसमें कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है इसको, दैट इज एसिडो एसिडोफिलिक सेल, एसिडोफिलिक सेल याद रहेगा क्या, बिल्कुल याद रहेगा। कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आरआरबी के लिए, और कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, डीएसएसबी के लिए, और भी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्री नॉर्सेट के लिए, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, हाँ जी आ गई है।
ठीक है ना। तो ग्रोथ हार्मोन हमारा एसिडोफिलिक सेल को प्रोड्यूस करता है, मतलब सिंपल सी बात है, सॉरी, एसिडोफिलिक सेल्स हमारा किसको प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। मैम क्यों, तो अब सिंपल सी बात है, देखो ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ये सभी प्रकार के हॉर्मोन्स को बना रहा है, ग्रोथ हार्मोन को बना रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बना रहा है, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को बना रहा है, ठीक है, यस, है ना, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, ठीक। और किसको बना रहा है, गोनेडोट्रॉपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बना रहा है, जो हमारे गोनेड्स को स्टिमुलेट कर रहा है ना, जिसके द्वारा हमारा FSH और LH प्रोड्यूस होगा, इसके द्वारा हमारा FSH और LH प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे आगे। और हमारा प्रोलैक्टिन बना रहा है, ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है, सोमैटोट्रॉपिक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी में बनाने वाला कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। बात समझ में आ गई। तो ये ग्रोथ हार्मोन मैंने लिया, आपने भी एक नए पन्ने से लेना है कि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन बी कहते हैं, प्रोड्यूस होता है एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, एसिडोफिलिक सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा अपने नोट्स में, दैट इज मोस्ट अबंडेंट एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। और क्या होता है, प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस होता है किसमें, लार्ज, बिग अमाउंट में, बिग अमाउंट में, ठीक है। बात समझ में आ गई। दिस इज वेरी लेटेस्ट एमसीक्यू, दिस इज वेरी लेटेस्ट एमसीक्यू बोथ। इसका एक्शन क्या है ये समझते हैं, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, कैसे ये काम करेगा, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक हार्मोन होता है, जो हमारे हमारे भाई साहब जी हाइपोथैलेमस कोई रोल प्ले करेंगे, तभी उसके द्वारा काम बनेगा। कौन, दैट इज हाइपोथैलेमस, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन किसका, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब कई तो कहते हैं कि हम जिस जो गर्ल है वो कहते हैं मेरे बॉयफ्रेंड नहीं तो मेरा कुछ नहीं, और लड़का कहता है गर्लफ्रेंड नहीं तो मेरा कुछ नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस नहीं तो शरीर में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से के आते ही हमारे जो एडिनो, यस, एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये जाग उठता है, ये एक्टिव हो जाता है, ये कहता है कि हो क्या हुआ, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, अब मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा, अब मैं ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, यस, क्योंकि इसके द्वारा ये प्रोड्यूस्ड हुआ। अब जैसे ही ग्रोथ हार्मोन शरीर में आता है तो हमारा एक्टिवेट हो जाता है लिवर, लिवर को मिल गई एनर्जी, लिवर को मिल गई स्टिमुलाई, लिवर को जैसे स्टिमुलाई मिली, क्या मिली, स्टिमुलाई, कौन से स्टिमुलाई, ग्रोथ हार्मोन। तो लिवर क्या करेगा, लिवर प्रोड्यूस करेगा IGF-1, ठीक है, क्या, IGF-1। IGF-1 क्या है भाई, मैम सिंपल सी बात है, दैट इज इंसुलिन के समान, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, इसलिए इसको IGF-1 बोल रहे हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जिसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सोमैटोमीडियन सी, ठीक है, ये कहता है, ध्यान रहे, याद रखेंगे क्या, ठीक है। जैसे ही ये IGF-1 प्रोड्यूस्ड होता है तो ये क्या कर देता है, ये भाई साहब जी स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे शरीर की ग्रोथ को, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी शरीर की ग्रोथ को ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट, यस, हमारे शरीर की ग्रोथ को ये क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। अब जैसे ये स्टिमुलेट होगा हमारे शरीर में, ठीक है, देखो ये है ना, IGF-1 को भी प्रोड्यूस कर देता है और IGF-2 को भी प्रोड्यूस करता है, ये मान के चलो दोनों ही, तो बेहतर रहेगा। जैसे ही हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है ना, तो ये हमारे शरीर की ग्रोथ को प्रोड्यूस कर देगा, और ग्रोथ को प्रोड्यूस होगा तो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होगा, और उनमें मेटाबॉलिज्म होगा तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो हमारे शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका जो ग्रोथ हार्मोन को मैंने आपको बताया कि सबसे मोस्ट अबंडेंट है,
लेट मी कम्प्लीटली डिस्कस दैट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एसिडोफिलिक सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, मोस्ट अबंडेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। आ रहा कहाँ से है ये, किसके सिग्नल से बन रहा है ये? हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस अपने आप में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है GHRH, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जैसे ही हाइपोथैलेमस में बने तो इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर दिया। एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे स्टिमुलेट हुआ उसने ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करा। अब वो ग्रोथ हार्मोन भागते 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 लिवर के पास गया। लिवर ने देखा कि यार मुझे तो स्टिमुलाई मिल गई, मेरे पास ग्रोथ हार्मोन आ गया, अब मैं उस ग्रोथ हार्मोन से IGF-1 प्रोड्यूस करूंगा और IGF-2 करूंगा। IGF-1 IGF-2 जैसे प्रोड्यूस होंगे तो वो शरीर में ग्रोथ को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। अब बात आती है, ये बात आती है कि मैम इसका नॉर्मल कंसेंट्रेशन कितना होता है शरीर में? कि उतना ही हो, अगर उससे ज्यादा हो गया तो इंसान खली बन सकता है, ठीक है ना? यस, खली बन सकता है, या फिर इसकी कमी हो गई तो इंसान बोना भी रह सकता है, ठीक है। यस, बोना भी रह सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल समझ में आ रही है, चलिए समझते हैं। तो ब्लड कंसेंट्रेशन, ठीक है, ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली सामान्य रूप से, ठीक, एडल्ट में, इन द एडल्ट्स इट इज सीन अप टू 300 ग्राम पर डेसीलीटर एंड 1 डेसीलीटर इज बराबर टू 100 ml, 100 ml, यस और नो? सही है ना? हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है मैम। मतलब 100 ml रक्त में 300 ग्राम ग्रोथ हार्मोन देखने को मिलता है, किस में? एडल्ट्स में, ठीक है। बात करें बच्चों में, चिल्ड्रंस में, तो चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन लेकिन बनेगा कम, क्योंकि अचानक से एकदम से बच्चों की ग्रोथ को नहीं बनाएगा ये। तो चिल्ड्रन में 500 नैनोग्राम प्रोड्यूस होता है पर डेसीलीटर के हिसाब से। नैनोग्राम, नैनोग्राम है, ग्राम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई। तो एडल्ट में, एडल्ट में हमने देखा कि एडल्ट में 300 ग्राम पर डेसीलीटर में मिलता है, लेकिन इसका डेली आउटपुट कितना है? डेली आउटपुट मतलब इतनी लेवल तो बच्चा मेंटेन रहेगी, लेकिन एक डेली का आउटपुट भी तो रहेगा। तो 0.05 से 1.0 mg इसका डेली आउटपुट रहता है, लेकिन इतना मेंटेन रहता है ब्लड के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये प्रोड्यूस्ड होता है तो इसका काम करने की कुछ क्षमता होती है, हाफ लाइफ होती है, दैट इज 20 मिनट ओनली, 20 मिनट्स ओनली। इसलिए कहते हैं सड़ो मत, खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि ये 20 मिनट में ही आपका हाफ लाइफ मेंटेन रखता है और आपके शरीर में ग्रोथ को मेंटेन रखेगा, ठीक है। आप सड़ते रहेंगे, दुखी रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, तो ये ग्रोथ हार्मोन आपका सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, है ना। तो हाफ लाइफ भी इसकी फटाफट से तुरंत खत्म भी हो जाती है। तो इट इज डिग्रेडेड, ठीक है। डिग्रेड कहाँ से होता है? कि शरीर को ज्यादा ग्रोथ की जरूरत नहीं है, तो लिवर और किडनी ही इसको क्या कर देती है? अपने आप में डिग्रेड कर देती है, नष्ट कर देती है, क्योंकि इसका एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है क्या? बिल्कुल समझ में आ गई है मैम। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट कि जब किसी व्यक्ति में इसकी कमी हो जाए या इसका ज्यादा हो जाए उससे क्या परेशानी होगी? तो दैट इज हैशटैग केस। मान के चलिए किसी शरीर में 500 हो गया, 1000 ग्राम देखने को मिल रहा है किसी एडल्ट में, ठीक है। तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या क्या बीमारियां देखने को मिलती हैं, लिख लीजिएगा। दैट इज जिगेंटिज्म, ठीक है। क्या देखने को मिलेगी? जिगेंटिज्म। और क्या देखने को मिलेगा? दैट इज एक्रोमेगैली, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे जिक्र करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। और क्या क्या देखने को मिल सकता है? कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम नहीं कह रही हूं मैं बोल रही हूँ कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज, ठीक है ना। चलो और एक और है, दैट इज एक्रोमेगैलिक जिगेंटिज्म, मिक्सचर है दोनों का, ठीक है। तो हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का क्या क्या करवाएगा? जिगेंटिज्म करवाएगा, क्या करवाएगा? जिगेंटिज्म। जिगेंटिज्म में क्या होगा?
बच्चे की ग्रोथ अचानक से बढ़ी हुई नजर आएगी। मतलब 10 साल का बच्चा ऐसा लगेगा 25 साल का है। और या फिर हम बोल सकते हैं उस बच्चे के जो फिंगर्स हैं, मान के चलिए अगर वो 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की है, मान के चलिए उदाहरण दे रही हूँ, वो 7 की जगह 17 सेंटीमीटर या 27 सेंटीमीटर की देखने को मिल सकती है। फिंगर्स इतनी बड़ी 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 देखने को मिल सकती है, तो उनको हम बोलते हैं दैट इज जिगेंटिज्म। ठीक है, यस। नेक्स्ट, इसके बाद में बात करें हम कि मैम फिर एक्रोमेगेली क्या है। इनके बारे में, एक एक के बारे में मैं आपको बाद में जिक्र करूंगी। जो एक्रोमेगेली है उसमें क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो चेहरा है वो बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, एक बच्चे में देखने को मिलता है तो एक एक किस में देखने को मिलेगा, एक बड़ों में देखने को मिलेगा। मतलब जो जिगेंटिज्म है वो डेवलप्ड होता है चाइल्डहुड में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। जिगेंटिज्म डेवलप्ड होता है बच्चों में चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में, और जो एक्रोमेगैली है वो देखने को मिलती है हमारी एडल्टहुड में, एडल्ट एडल्टहुड में। ठीक है, एडल्टहुड में एक्रोमेगैली। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा, है ना। हाइपर सिक्रीशन समझ में आ गए होंगे। अब हम एक बात कर लेते हैं, दैट इज हाइपो सिक्रीशन की। ठीक है, हाइपो सिक्रीशन की बात कर लेते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो ये करता है ड्वार्फिज्म, ठीक है, या फिर ये करेगा एक्रोमीसिया, या फिर ये करता है सिमोन्स डिजीज, सिमोन डिजीज। ठीक है, किसकी कमी हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की अगर शरीर में कमी हो जाए। अब एक एक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यस बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि कौन सी की कमी की वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं शरीर में। जिगेंटिज्म क्या होता है मैम, एक्रोमेगैली क्या होता है, एक्रोमेगैलिक जिगेंटिज्म क्या होता है, कुशिंग डिजीज क्या होता है, बिल्कुल ये डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलो। सो आई होप आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, है ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि हाइपर सिक्रीशन क्या कर रहा है, हाइपो सिक्रीशन क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमने इतना डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू आर न्यूली वॉचिंग माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द क्लास। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस। वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट 2। जय हिंद, जय भारत।